हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। अब वो बताइए, वो जो जाहिल वो मुसलमान है जफरुल इस्लाम, वो पढ़ा लिखा स्कॉलर है, उसको वर्ल्ड के मुसलमान सम्मानित करते हैं, वह एक संवैधानिक पद पे है, वह इस देश की एकता और अखंडता का शपथ लिया हुआ है, वह जब ऐसा कह सकता है इस देश के बारे में, इस मट्टी के बारे में, तो बाकी लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं? वह इस देश में जो योजना, इनकी योजना चल रही है, उसके खिलाफ आपने जो अभियान छेड़ा है, उससे ये बहुत हतोत्साहित है कि अगर ऐसा हो गया तो हमारा सारा मिशन कामयाब हो जाएगा, इसलिए कि हमारा सारा मिशन उन्हीं 100 करोड़ लोगों के पैसे से आता है। मित्रों नमस्कार, कल की घटना है, दिल्ली का अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने एक भारत के ऊपर बहुत बड़ी तीखी टिप्पणी करी है। दुनिया के अरब देशों से के जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें खास कर कुवैत को कह रहा है कि धन्यवाद कुवैत कि तो आपने भारत के मुसलमानों का पक्ष लिया, जबकि कुवैत ने इसके मुंह पर थूक दिया। कुवैत ने कह दिया कि नहीं, हम इस तरह की बात कुछ लिख के नहीं दिए हैं, लेकिन यह थूक के चाटने वाले ये नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इसको मैं लोग तमाम उसको भला बुरा ये वो कह रहे हैं, मैं इस चीज़ को नहीं कहना चाहता हूँ। ये ऐसी इस तरह से समझना ही गलत है, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, वो क्यों कह रहा है, इसको जब समझेंगे तब समझ में आएगा आपको कि यह क्यों कह रहा है ऐसा। पिछले 2-3 महीने से, जब से कोरोना की महामारी आई है, तब से एक मामला बहुत उठ रहा है, सब्जियों में थूकने का, बसों में मन रोड पे थूकने का, नोटों पे थूकने का, बहुत तरह की बातें हैं, और इस तरह से तमाम जगह लोग नकार रहे हैं कि भाई अब उनका आईडी चेक कर रहे हैं जो सब्जी बेचने आ रहा है, सामान बेचने आ रहा है, और लोग यह प्रिकॉशन ले रहे हैं कि हम इन लोगों से सामान नहीं लेंगे। इस पे अब पूरे देश में एक माहौल बन रहा है कि हम सामान उसी से लेंगे जो हमारे मर्जी, हमारे इजाजत का होगा, हमारे पसंद का होगा, जहां हमारा सेफ्टी होगा, जहां हमारी सुरक्षा होगी, यह माहौल देश में बन रहा है। इस माहौल को देख के इस भारत के जितने ये मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, वो क्या सोच रहे हैं, इसको समझिए आप, यह बहुत बड़ी क्रोनोलॉजी है। अगर यह 100 करोड़ लोग सिर्फ हिंदू समाज से ही सामान खरीदेंगे, तो इनका जो मिशन है गजवाए हिंद का, इस देश का इस्लामीकरण करने का, जो विदेशों से इनको फंडिंग भी होती है, और नीचे जो स्लीपर सेल काम करते हैं, वह यह जहां से फंडिंग होती है उनको इस माध्यम से यह बता रहा है कि हमारे देश में इस तरह का चल रहा है। अगर इस तरह का हो गया तो हमारा जो गजवाए हिंद का मिशन है वह फेल हो जाएगा। यह ऐसा क्यों है आप इसको समझिए। जब आप अपने जात के ही, अपने धर्म के ही दुकान से सब्जी खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, तो वह जो यह पैसा कमाते हैं उसका 20% या सरकार को टैक्स नहीं देते हैं कोई, जो इसीलिए यह छोटे छोटे काम करते हैं। आप देखे होंगे कि मुसलमान 90% 10% सिर्फ शिक्षित हैं जो बड़े कामों में जाते हैं, जो अपने बच्चों का नाम इंग्लिश मने हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं, बाकी 90% मदरसा छाप हैं, वह मदरसा में ही भेजते हैं, इसलिए कि वह कुछ भी कर लेगा, उनको सुअर के तरह से बच्चा पैदा करके सड़क पे छोड़ देना है, वह छोटा छोटा काम करेगा, छोटा छोटा काम से जो पैसा आएगा वह 20% जकात में जाएगा, जिसमें मस्जिद का विकास होगा और इस्लाम का विकास होगा। वह जकात अब बंद हो जाएगा जब, या इसीलिए देखिए मैक्सिमम जगह देखिएगा छोटे छोटे काम करते हैं, बड़े काम नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े उद्योगों में इनका विश्वास नहीं है, या पंचर की दुकान, बहुत छोटे छोटे काम, जितने छोटे छोटे काम है, अंडा, ठेला, खोमचा, यह मैक्सिमम मिल जाएंगे यही।
हर जगह यही मिलेंगे। आप चले जाइए रोहिंग्या से लेके बांग्लादेशी, जितने जितने ये ठेला रोड पे, जितने ढाबा साबा छोटे छोटे काम यही करते हैं, उससे 20% जकात जाता है। और आप 100 करोड़ लोग जो पैसा देते हैं, उससे उन्हीं के खिलाफ मिशन चलाया जाता है। यह मौलाना लोग वही वह 40 आयतें इनको सिखाते हैं। तो आप जब उसको बंद कर देंगे तो दोहरी मार पड़ेगी इनके ऊपर। पहली मार तो हुई कि मस्जिद बनना बंद हो जाएगा, और ये जो मौलाना लोग हैं, इन लोगों की जो दुकान चल रही है, यह दुकानदारी बंद होने लगेगी। दूसरा, जो बगैर तीर चलाए, बगैर किसी कानून का, बगैर किसी कुछ किए, दूसरा बड़ा नुकसान होगा, जो ये गजवाए हिंद का प्लान बना रहे हैं, यहाँ इस्लामीकरण, जब आप इनको इनसे सामान नहीं खरीदेंगे तो जो 18 बच्चे हैं वो 18 बच्चे खाएंगे क्या? एक छोटा सा ठेला खींच लिया और पैदा कर दिया 18 बच्चा, 18 बच्चा खाएंगे क्या? अब उसकी दुकानदारी होगी बंद, तो उसके बच्चे जब भूख की दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो उनके अंदर यह सोच आएगी कि हमको 18 बच्चा पैदा नहीं करना है, हमको दिक्कत होगी, वह प्रॉब्लम एहसास होगा। लेकिन एहसास न कराने वाले आप हैं, आप ही जाके न पूछ के, न इनको जानबूझ के आप ही प्रश्रय देते हैं। आपके पैसे से, आपके धन से यह आपके खिलाफ ही योजना चलाते हैं। 100 करोड़ लोग मैक्सिमम लोग, यह जो गंगा जमुनी की बात करते हैं ना, उन्हीं के वजह से सारा यह दुकानदारी, यह देश का माहौल खराब है। आप इस मिशन को छोटा मत समझिए, ये बहुत बड़ा मिशन है। अगर आप यह, और आपको स्वतंत्रता राइट मिलता है, हम किससे कहाँ सामान खरीदेंगे, किससे सामान खरीदेंगे, किससे, कौन हमारे हित में, या कॉन्स्टिट्यूशनली है, हम पूछ सकते हैं, उसका आधार कार्ड दे सकते हैं, इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। और क्यों ना दुकान पे, सारे दुकानों पे भगवा झंडा, और अपने धर्म के रक्षा के हिसाब से अपने व्यवसाय के सामने अपना सब कुछ कर सकते हैं, यह आपका राइट है। लेकिन अगर आपने इस चीज को अपना लिया, अपने समुदाय के लोगों से ही खरीदना शुरू किया, तो यह बहुत बड़ा मिशन है। इस मिशन से वह सारा कामयाबी मिलेगा जो आप भविष्य के लिए सोच रखे हैं। और यह माँ भारती का सच्चा राष्ट्रभक्ति है, आपको इस पे आगे चल के इस देश को मजबूत करने का सबसे बड़ा योजना है। और जहाँ तक रही बात उन अरब देशों की, तो अरब देश वाले वह तो इनको जानते भी नहीं हैं, वो जानते हैं ये हिंदू मुसलमान हैं, या दोयम दर्जे के, इनको हिंदू मुसलमान कहते हैं, माने हिंदू से कन्वर्टेड, यह हिंदू के जांग से पैदा हुए हैं। यहाँ जितने हैं सब, वो न कहना चाह कहना नहीं चाहूँगा कि यह किस तरह से असल मुगलों के, और यह जो यह आए थे उनके डर के मारे ये कन्वर्टेड हैं, यह कन्वर्टेड हैं, वह जानते हैं, वह इनको इनको सम्मान और इज्जत नहीं देते हैं, इनके लिए कभी वो खड़ा नहीं होंगे। यह जानबूझ के अपने आप को उनसे शामिल कराना चाहते हैं, वह आपको डराना चाहते हैं, वह आपको समझाना चाहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप अपने मिशन में, इनके मिशन पे बहुत बड़ा कुठाराघात है। यह जो जो सोच रखे हैं, आपके सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक बहिष्कार से आपका वह सारा मिशन कामयाब होता है जो इस देश के लिए सही है, इस देश की एकता और अखंडता और संविधान और विचारधारा के लिए सही है। इसलिए कि यह हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। अब वो बताइए, वो जो जाहिल वो मुसलमान है जफरुल इस्लाम, वो पढ़ा लिखा स्कॉलर है, उसको वर्ल्ड के मुसलमान सम्मानित करते हैं, वह एक संवैधानिक पद पे है, वह इस देश की एकता और अखंडता का शपथ लिया हुआ है, वह जब ऐसा कह सकता है इस देश के बारे में, इस मट्टी के बारे में, तो बाकी लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं? वह इस देश में जो योजना, इनकी योजना चल रही है, उसके खिलाफ आपने जो अभियान छेड़ा है, उससे ये बहुत हतोत्साहित है कि अगर ऐसा हो गया तो हमारा सारा मिशन कामयाब हो जाएगा। इसलिए कि हमारा सारा मिशन उन्हीं 100 करोड़ लोगों के पैसे से आता है। हम तो सरकार को टैक्स देते नहीं हैं, हम तो अपना टैक्स अपने मजहब को देते हैं। अब वो मजहबी टैक्स, और जब खाने को नहीं मिलेगा तो इनकी आबादी भी घटने में मजबूरी हो जाएगी। तो यह दोनों मिशन आपका एक साथ साकार हो जाएगा। यह जो मौलाना लोग हैं, इन
जाहिलों को, इन मूर्खों को मूर्ख इसीलिए बना के रखते हैं ताकि इन इनसे हम अपना काम चलाते रहें। यह जो पढ़े लिखे 1% हैं, इनको जानबूझ के इनको इसी दलदल में रखना चाहते हैं, वह इनको पढ़ने देना ही नहीं चाहते हैं। पढ़ लिख गए और समझ गए अगर, तब तो इनका इनकी वाली चलेगी ही नहीं। इसीलिए जो पढ़े लिखे हैं वह बाकी लोगों को इसी 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 जाहिलपना में रखना चाहते हैं, इसीलिए वो जगह जगह थूक भी रहे हैं और जो भी शिकायतें आ रही हैं, चूंकि इनका जो नेटवर्क है, बाकी जैसे मान लीजिए कि हमारा आपका नेटवर्क है, मोबाइल है, विभिन्न माध्यम है, एक चीज आप देखते होंगे, ये बार बार मस्जिद में जा रहे हैं, बार बार मस्जिद में जा रहे हैं, बार बार मस्जिद में जा रहे हैं, ये किसी तरह की बात नहीं मान रहे हैं। शासन प्रशासन कितना भी दबाव बन रहे हैं, यह जानते भी हैं कि कोरोना से हम मर जाएंगे, फिर भी बार बार मस्जिद में जा रहे हैं, इसकी क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। इनका नेटवर्क मस्जिद से चलता है, यह शुक्रवार को सारा प्लान एक बार मस्जिद में बैठ के एक जगह से प्लान करके पूरे देश में पहुंचा देते हैं नेटवर्क, अपने नेटवर्क के माध्यम से। इनका नेटवर्किंग मस्जिद है, जो भारत सरकार और भारत सरकार विभिन्न चैनल और मीडिया और तमाम यह चीज इनका नेटवर्किंग नहीं है, इसलिए ये बार बार इस समय भी मस्जिद में जा रहे हैं। भले या मर जाएंगे कोरोना से, लेकिन अपने नेटवर्क को खोजने के लिए यह इतने पागल हैं कि बार बार नमाज, उसको बीमारी नहीं है, बीमारी वहां है कि शुक्रवार को जाएंगे। हमारे समाज में ये जो चल रहा है इस देश में, गजवाए हिंद है क्या? गजवाए हिंद आप जाके गूगल पे सर्च करिए और पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। इनके इस्लामिक किताब में यह लिखा हुआ है कि एक समय अल्लाह बनवा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फौज लेके आएंगे जो भारत के तरफ मने हिंद के तरफ आएगी और हिंद के राजाओं को लोहे के बेड़ियों में जकड़ के और फिर लाया जाएगा और उनको इस्लाम कबूल किया जाएगा और उनको प्रताड़ित किया जाएगा। ये इनके इस्लाम के किताब में लिखा हुआ है, उसी को ये बताते हैं और बार बार मस्जिदों से समझाते हैं। उसी को समझने के लिए बार बार इसी तरह की जो गंदी बातें हैं इस देश के खिलाफ, यह देश में मस्जिदों में बैठे हुए मौलाना जो बैठे हुए हैं, यह इसी तरह की बात समझाते रहते हैं, इनको बताते रहते हैं, बच्चे से लेकर, इसीलिए मदरसे में जाते हैं कि बच्चों से लेकर और जवानी तक इसी तरह से गंदी बातें इनको समझाई जाती हैं, इनके दिमाग में डाली जाती हैं।